नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव कोर्ट के फैसले में फंसी भाजपा, बीएसपी को मिला उभरने का चांस, एक्टिव हुई मायावती। बता दे कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है, जो बीजेपी के लिए सीआईसी तौर पर बड़ा झटका है, जबकि विपक्षी दलों के लिए सीआईसी संजीवनी की तरह है। सपा आक्रमण तरीके से योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो मायावती ने भी अपने नेताओं की शुक्रवार को बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला जब से हाई कोर्ट से आया है, उसके बाद से ही राज्य में सीआईसी तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सपा ने जिस तरह से आक्रमण रुख अपना रखा है, उस तरह से बसपा के तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पिछड़ती बसपा सुप्रीमो मायावती अब बढ़त लेने के लिए लखनऊ में शुक्रवार को बड़ी बैठक बुला रही है। अब देखना यह होगा कि कितनी कामयाबी मिलेगी और कितनी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।